सब्सक्राइब करें और देखें एवरी वीकेंड एक नई स्पाइन चिलिंग स्टोरी, और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारी नई स्टोरी रिलीज होगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। गोपी रास्ते के किनारे बैठा हुआ था और डर से कपकपा रहा था। बाकी सारे लोग सोए हुए थे। शायद अभी सिर्फ 12 बजे होंगे, अभी तो पूरी रात बाकी है, सिर्फ आज की रात। फिर से मेरी बारी 1 महीने बाद आएगी, बस आज की रात अच्छे से गुजर जाए। तभी गोपी को अंधेरे में एक परछाई नजर आती है। गोपी का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कौन है? क्या ये वही है? बाकी लोगों को उठाऊं? कौन हो तुम? डरो मत, मैं एक यात्री हूं बेटा, तुम्हारे ही तरह रास्ते पे रहता, रात में घूमता हूं, दिन में सोता हूं, जो मिले वो खाता हूं, बस ऐसे ही गुजारा कर लेता हूं। अच्छा, वो बाबा आप आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। इसमें डरने की क्या बात है बेटा, और तुम ऐसे क्यों बैठे हो, नींद नहीं आ रही? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, आप जानते नहीं शहर में क्या हो रहा है। नहीं, मैं तो शहर में नया हूं। शहर में लोग गायब हो रहे हैं बाबा, वो भी हम जैसे गरीब लोग। मतलब जो लोग रास्ते पे रहते हैं वो लोग गायब हो रहे हैं,
पता नहीं अपने आप उठ के कहीं चले जाते हैं और वापस ही नहीं आते, और तो और उनकी लाश भी नहीं मिलती। अब तक ऐसे 10 लोग गायब हो गए हैं, पुलिस भी आज तक किसी को ढूंढ नहीं पाई है। हम में से कोई एक बंदा रोज पहरा देता है, आज मेरी बारी है। और अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो? वो भी बाबा की आंखों में देखता है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर राणे इस मामले की जांच करने आते हैं। किसी ने कुछ देखा क्या? नहीं साहब, हम सब सोए हुए थे और कल गोपी की बारी थी पहरा देने की। शायद गोपी किसी एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा था, ऐसा मैंने नींद में सुना साहब। सर, इस बूढ़े आदमी ने तो नाक में दम कर दिया है, क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं हो सकता? नहीं सावंत, जो लोग गायब हो रहे हैं उनकी एज सेम नहीं है, कोई बूढ़ा तो कोई जवान गायब हुआ है, या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन सावन उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए। अब तक एक भी लाश नहीं मिली है। सर, मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा है। हाँ ये जो कोई है वो रास्ते के गरीब लोगों को ही क्यों गायब कर रहा है, लूटने के लिए उनके पास तो कुछ है नहीं। शायद वो इनकी ऐसी कोई कमजोरी जानता है जो इन सबको उसकी तरफ खींच लाती है। एग्जैक्टली, हमें रात में पहरा बढ़ाना होगा। किडनैपर इसी जगह एक्टिव है। अरे ये पहले मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया? सभी किडनैपिंग उसने रात में और ऑड डेट्स को किए हैं। यह एक काली जादू वाला बाबा तो नहीं? और डेट की काली राखी। इंस्पेक्टर राणे और सावन बाजू की झाड़ियों में छुपे हुए थे और उस किडनैपर की राह देख रहे थे। सर, आपको लगता है वो आएगा? हाँ सावन, वो जरूर आएगा और यही आएगा। अचानक से एक परछाई अंधेरे में नजर आ रही थी। पुलिस अलर्ट हो गई थी। किसी भी हाल में हमें इस किडनैपर को पकड़ना होगा, और वो भी रंगे हाथ। वो बाबा एक भिखारी से बात करते हुए नजर आ रहा था। अचानक वो भिखारी उठा और उस बाबा के पीछे चलने लगा। इंस्पेक्टर राणे ने सावंत को इशारा किया और पुलिस ने उस बाबा को घेर लिया। कौन हो तुम? इन गरीब लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्हें मतलब किसे? वो दोनों असुर है, असुर, दानव, राक्षस, दैत्य। इंस्पेक्टर राणे चौंक जाता है। क्या बाबा सच कह रहा था? क्या इंस्पेक्टर राणे बाबा की बातों पे विश्वास करेगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट। हम आशा करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज फॉलो करें। क्या आप भी कहानी लिखते हैं? तो हमें जरूर नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। हम आपकी भी स्टोरी एनिमेट करने की कोशिश करेंगे।